प्यारे बच्चों आज हम संस्कृत में चतुर्थ पाठ है यानी कि चौथा पाठ पढ़ेंगे धातु जिसे क्रिया भी कहते हैं धातु परिचय जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे धातु या क्रिया कहते हैं जैसे गम गम का अर्थ होता है जाना पठ अर्थ होता है पढ़ना आदि धातु रूप पुरुष वचन व काल के अनुसार चलते हैं धातु रूपों के काल को लकार कहते हैं धातुएं दो प्रकार की होती हैं अपरिवर्तनीय है यानी जिन्हें बदला ना जा सके एवं परिवर्तनीय परिवर्तनीय यानी कि जिसे बदला जा सकता है अप्रिवर्तनीय धातुएं जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं जैसे पट पढ़ना भ्रम घूमना नम, नमस्कार करना हँस हँसना आदि अपरिवर्तनीय धातुओं के कुछ उदाहरण हैं धातु अर्थ एकवचन, द्विवचन जीवचन बहुवचन पढ़ पट, पटका अर्थ होता पढ़ना पढ़ती एक पढ़ता है पढ़ते है, दो पढ़ते हैं पठंती अनेक पढ़ते हैं लिख लिखना लिखती एक लिखती है लिखते दो लिखती हैं लिखंती अनेक लिखती हैं हँस हँसना हस्ती एक हंसता है हंसता दो हंसते हैं हसंती अनेक हंसते हैं खेल खेलना खेलती एक खेलता है खेलता दो खेलते हैं खेलंती अनेक खेलते हैं खाद खाद कर्त होता है, खाना खादती एक खाती है खादता दो खाती हैं खादंती अनेक खाती हैं वध वध कर्त होता होते बोलना वधती एक बोलता है वदता दो बोलते हैं वदंती अनेक बोलते हैं धाव धाव कर है, दौड़ना धावती एक दौड़ता है धावत दो दौड़ते हैं धावंती अनेक दौड़ते हैं चल चल कर है, चलना चलती एक चलता है चलता दो चलते हैं चलंती अनेक चलते हैं नम नमकार तो होता है नमस्कार करना नमती एक नमस्कार करती है नमता दो नमस्कार करती हैं नमंती अनेक नमस्कार करती हैं रक्ष रक्षा कार्थ होता है रक्षा करना रक्षती एक रक्षा करता है रक्षता दो रक्षा करते हैं रक्षंती अनेक रक्षा करते हैं भ्रमकार होता है घूमना भ्रमती एक घूमता है भ्रमथ दो घूमते हैं भ्रमंती अनेक घूमते हैं विक वि प्लस वी जमाकर खेलना विक्स विकसति एक खेलता है विकसतः दो खिलते हैं विकसंती अनेक खेलते हैं